अमरोहा में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी कि एनजीटी ने हाईवे स्थित सीएल गुप्ता फैक्ट्री पर पर्यावरण कानूनों और मानदंडों के उल्लंघन के मामले में 50 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। जी हां, ये जुर्माना 50 करोड़ रुपए का है। साथ ही प्रदूषणकारी इकाई को भूजल की बहाली के लिए मानदंडों का पालन करने और जुर्माना राशि के उपयोग के आदेश दिए गए हैं। इसके अलावा जीर्णोद्धार योजना बनाने और लागू करने के लिए एक संयुक्त समिति का गठन किया गया है। याचिकाकर्ता आदिल अंसारी की शिकायत पर न्यायमूर्ति आदर्श कुमार गोयल की अध्यक्षता वाली पीठ ने यह आदेश दिया कि मेसर्स सीएल गुप्ता एक्सपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड को 2 महीने के भीतर केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड यानी कि सीपीसीबी के पास 50 करोड़ रुपए का पर्यावरणीय मुआवजा जमा करना होगा। कंपनी का वो प्रभाग जो पर्यावरण मानकों के अनुपालन में लगातार विफल रहता है, उसको मानकों का अनुपालन करने के लिए अपेक्षित कदम उठाए जाने तक बंद कर दिया जाएगा। पीठ ने आगे निर्देश दिया कि मुआवजे की राशि का उपयोग भूजल की बहाली, भूजल को पहले से हुई क्षति के उपाय के लिए किया जाएगा। इसके लिए सीपीसीबी, सीजीडब्ल्यूए, यूपी पीसीबी, यूपी जीडब्ल्यूयूडी और जिला कलेक्टर अमरोहा की एक संयुक्त समिति का गठन किया गया है। पीठ ने समिति को 3 महीने के भीतर एक बहाली योजना तैयार करने, अगले 6 महीनों में इसे निष्पादित करने और उपरोक्त अवधि की समाप्ति के तुरंत बाद रजिस्ट्रार जनरल एनजीटी को अनुपालन रिपोर्ट जमा करने को कहा गया है। सदस्य सचिव यूपी पीसीबी की जांच करने का आदेश दिया गया है। प्रबंधित और संबंधित क्षेत्रीय अधिकारी की भूमिका की विशेष रूप से जांच की जाएगी। जिम्मेदार पाए जाने वाले अधिकारियों के खिलाफ उचित अनुशासनात्मक कार्रवाई भी की जाएगी।